पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतिम दौर में मुरादाबाद के उम्मीदवार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां पर आजम खान जैसे नेता वोटरों को गद्दार कहते हुए चांदी के बर्क में गंदगी खाने की बात मन से कर जाते हैं, तो मुरादाबाद से ही कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत अजमा रहे मशहूर शायर इमरान प्रताप गरीबी पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो मंच से एक जनसभा के दौरान अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सांसद का टैग लगवाने का शौक नहीं है, वो तो आप लोगों के लिए काम करने के लिए संसद जाना चाहते हैं। दो पार्टियों से जुड़े इन नेताओं ने विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए भावुकता भरे तीर छोड़ने का काम किया है और ये दोनों जनसभाएं भी मुरादाबाद के जामा मस्जिद मैदान में ही हुई हैं, जहां से इन नेताओं ने अपने अपने ढंग से मुस्लिम वोटरों को साधने का काम किया है। बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं, तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। शहर में आया हूँ, मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक दिन फोन किया जब मैंने पहले दिन तहसील स्कूल पे ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के इल्जाम झेलता हूँ, लोगों के ताने सुनता हूँ। मैं चाहूँ तो जुल्फ हाजर और लबो रुखसार की शायरी करके भी मैं इज्जत कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तब पूछो कि ये लोग पार्टियां कहां थी, ये नेता कहां थे, कौन जा रहा था पहलू खान के घर, कौन खड़ा था नजीब की माँ के साथ, कौन खड़ा था। मैं बस इसी बात का तुमसे सिला मांग रहा हूँ कि अपनी आवाजों को बचाओ, बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हें फैसला करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है मुरादाबाद वालों, ये मकसद बहुत बड़ा है, ये मकसद तुम्हारी आने वाली नस्लों का है। मुझे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे तुम्हारे आईएएस आईपीएस बच्चों के लिए फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे हिंदुस्तान के हर मजलूम इंसान की आवाज पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलनी है। आप सिर्फ मुरादाबाद के लिए सांसद नहीं चुनेंगे, आपको नहीं पता है कि हिंदुस्तान के हजारों बेजुबान लोग, हजारों मजलूम लोग मुरादाबाद वालों नमाजों में दुआएं कर रहे हैं कि तुम सही फैसला करोगे, तुम इमरान को पार्लियामेंट पहुंचाओगे। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे इन आंसुओं की लाज रखना, ये आंसू झूठे नहीं है, ये जबान झूठी नहीं है, मेरा दिल सच्चा है। मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना। बहकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इलेक्शन मैंने उसकी जात पे छोड़ रखा है। लोग कह रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके पास धन दौलत नहीं है, बंदूकें नहीं है, गोलियां नहीं है, मेरे पास ईमान की ताकत है, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूँ, को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो,
जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो।